पाकिस्तान ने कराची एयर स्पेस को अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। इसे देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस भारत के लिए पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा है। साथ ही अफगानिस्तान और भारत के बीच पाकिस्तान के रास्ते हो रहे व्यापार पर भी पूरी तरह बैन लगाने का विचार भी कैबिनेट बैठक में सुझाया गया। लेकिन एयर स्पेस बंद करने का पाकिस्तान का यह फैसला अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने बोखलाहट में एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया था, लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ गया था। पाकिस्तान को एयर स्पेस बंद करने पर 688 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था, जो भारत की तुलना में 200 करोड़ ज्यादा था। जब 140 दिन बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई, तब उसने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस खोल दिया और अब पाकिस्तान दोबारा वही गलती करने जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सारी साजिशें फेल हो रही हैं। बौखलाहट भरे फैसले के कारण पाकिस्तान को खुद ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, खाने पीने की चीजों के दाम सातवें आसमान पर है, बिजली संकट से कई इलाके जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान एयर स्पेस पूरी तरह बंद करता है तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब एयर स्पेस 140 दिनों के लिए बंद रखा गया था, तब पाकिस्तान को 688 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और अब अगर उसने इसे पूरी तरह बंद किया तो आप अंदाजा लगाइए कि ये आंकड़ा कितनी ऊपर जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान शायद ये सोच बैठा है कि एयर स्पेस बंद करने से भारत को वो नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन उसका ये दांव भी उल्टा ही पड़ेगा। आप इस खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।